बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जो वाशिंग मोहसिन शहजाद। अल्लाह ताला के रहमत, फजलो करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग इस दुआ से शुरू करते हैं। अल्लाह पाक मुझे देखने वाले और चाहने वाले जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें और दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत और तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए सॉरी। एक तो हवा भी बहुत तेज है, ऊपर से रोज़ा भी लगा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं और मेरे साथ था है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी गंदम, तो वो हमने खुद नहीं उगाई हुई, हमने पठानों के दी थी उगाने के लिए, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आज उसने जो है ना गा, जिसे हम कहते हैं अपनी अपनी ज़ुबान में, कटाई वगैरह हो चुकी थी, गा भी हो चुका था। तो जो दाने थे ना जो हमारे सेमे आने थे, तो वो हम अभी लेने के लिए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे तकरीबन हमारे इस गांव में तकरीबन सब ने गंदम काट लिया ज़्यादातर। ये भी रह गया ये पीछे, ये वाली तो ख़त्म। तो अभी चलते हैं वहीं पे। आप मौसम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, हवा तेज से चल रही है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं अभी हमारे विलेज में 100% है ना, तो 20% लोगों ने गंदम काट लिया है और 80% अभी तक पड़ी है। बीच बीच में से जिन्होंने कटवाई है ना मजदूरों से, वो भी फ्री हो गई। जिन्होंने खुद काटनी थी ना, उन्होंने अभी तक नहीं काटी। मौसम माशाल्लाह चेक करें आप, कितना खूबसूरत है। ये जी अभी हम तकरीबन पास ही 10 फीट ला चुके हैं जहाँ पे हमारे खेत हैं, और उससे पहले हमारा बाग आता है। तो अभी आपको बाग का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। ये मेरे ये वाला जो खेत है, ये मेरे सबसे बड़े तायक है, तो वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक जन्नत अल फरदोस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए, उन्होंने ठेके पर दिया हुआ है, और वो वाला जो है ना वो हमारा है, ये वाला। ये रहा जी हमारा बाग, अभी तक तो कुछ भी नहीं उगाया हुआ। मैंने जो कलर सहिता वाली वीडियो दिखाई थी वहाँ पे भी कुछ नहीं उगाया हुआ था उन्होंने भी, क्योंकि अभी से जो सब्जियाँ ना लगनी तैयार होंगी, अभी सही से गर्मियाँ तो नहीं आई। लगी है यहाँ पे जी, ये तो तकरीबन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो ये भी हम अपने खेत की तरफ आ चुके हैं। ये जी उस बन्ने से लेके वहाँ नीचे वो चुगियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ तक है। वो गाय बहुत कम है क्योंकि जिस जगह मैंने आपको आगे बताया था रेतली है। अच्छा, अच्छा एक
जितना चंगा बीम होना कहीं कहीं बाड़ी चौक करके है कहीं कहीं बाड़ी ना दाना मोटा पाती दाना भी बैठे बीस किलो आराम से आता है इसमें। हमने सुबह भी इस रनात किया था ना तैयार करना। अरे तैयार कर दी ज़मीन बहुत तैयार है ज़मीन से तैयार है अभी लगती है। अच्छा 10 साल मेरा होगा तो मैं उसका बाड़ी बाहर हूँ 10 साल। अभी उसका वालत तो सही है ना। जी हाँ, तो फाइनली दाने घर आ चुके हैं। कितने हैं जी? एक ये गाय है, एक दो तीन चार, किन के भी चार आए, चार हमने लिए, चार उन्होंने लिए, इतने इतने दाने हैं। क्योंकि गंदम इस बार बहुत ज़्यादा कम हुई है, बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है इस वजह से। वैसे लास्ट टाइम जब हम पिछले साल जब हमने लाई थी तकरीबन 6-6 आए थे, इस बार 4, यानी कि 2 कम हो गए। तो अभी असर की नमाज का टाइम हो चुका है, मैं नमाज पढ़ने लगा। नमाज वगैरह पढ़ लिया जी। अभी छत पे ये देखो शोर भी लगाया हुआ था पेंटे के, इतने तो सोचा चलो इनके साथ जाके टाइम पास कर लिया जाए। 10 लिया जी, बहु ना 10 पहले माड़िया ताड़ी बिचे पईयां घबरा ना ना था बहु भी मैं गिनी बस हां त्रै खलो ना पहले 10 माड़ियां नहीं हां हां इन्हीं 10 पूरियां हैं 3 पूरियां करो जी था 10 माड़ियां 10 पईयां सनिया 10 स्मालियां एक गिनो ओए ओए गिनो इस ऐसे ना कोई पता नहीं है। मैं चाहे बोल 10 पईयां 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक हाथ है देखिए हमने पहले से उठाई है ये गुड़िया गुड़िया ने बस हो मां पुत्र बस हो जा बस बात करना बस बस बात हो रहा जात हर तरी मारे गुड़िया 6 गड़िया 6 गड़ी रे भाई मोशन चलो जी दुआ बंदा आ जा क्या किचन में जाना तो बनाना ही कोनी है उसे साथ नहीं ना ए जी माला मंजला ला प्रादर में ना ला दे रोने वाले ने ये तो बहुत बड़ा रोने वाला बंदा है। ऐ देखो निकलतिया ने दो पर अच्छा भी सड़ना पे बिजू बिजू में चार कड़ियां दिस दो कड़ियां छे अच्छा वो है एक बार में चार कड़ियां ना बस हुन साड़ी वार पुतरा पेड़ा आया हां हां तू बोली चाहिए सी अगली होगी जी मुंह दसना सी लेकिन असा नहीं दस रुको 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 ते क्या भाई रोने की ओ भाई ने मारू ते ए भाई ने गोलियां नहीं क्यों नहीं ओ भाई यार बहुत तपे ने जी यार ने की रोजा गाटा लगा हुन मु तक ने हुन तक आड़ियो मु 10 11 पाजी असा कड़ियां ने 11 ते ए चेक करी किनो ए ए रोन लई पने मैं पन्नी दे दा मु पहले सुने नहीं हुन पन्नी नहीं दे धमकी दी थी भाई ने चेक कर किनो भाई रोन लगे ने ये भाई सच्ची मूड बनाने में।
तो अभी जो शोल वगैरह लगाया आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आता होगा। ये था एक मेरा छोटा भाई जो मुझसे छोटा है और एक उससे छोटा था, यानी कि तीन भाई थे, खेल रहे थे। शुगर बहुत लगाते हैं हम आपस में। अभी मैं जा रहा हूँ पट्टियाँ बाज़ार, समोसे लाने थे और समोसे की पट्टियाँ लेने जा रहा था। अभी मैं गया था जी बाज़ार समोसे लेने, बड़े समोसे वो थे चाचू के, तो अपनी लानी थी मैंने पट्टियाँ समोसों वाली। अभी जो बनाने लगा हूँ फोल्डिंग मैं खुद कर सकता हूँ क्योंकि घर में और कोई नहीं कर सकता। यार शोर बहुत हो रहा था, मैं समझाने गया था। तो अभी फोल्डिंग करनी है समोसों की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आज पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा आपका होस्ट दोस्त मोहसिन शहज़ाद। अल्लाह हाफिज़।